अमेंडमेंट, ये छोटे छोटे अमेंडमेंट एग्जाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप प्लीज़ ध्यान से देखिए। ये शायद मेरा सातवां या आठवां छोटे छोटे अमेंडमेंट का वीडियो है, तो यदि आप पहली बार या दूसरी बार से देख रहे हैं तो यू शुड सर्च मोर। ऐसे मैंने करीबन 12-13 अमेंडमेंट के वीडियोज डाले हैं। नाइस, थैंक यू। हम लोग बात कर रहे थे कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस हैव इन प्लेस ऑफ सप्लाई इन नेपाल एंड भूटान, इस पे GST लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आंसर इज नहीं लगेगा। अब क्लैरिफिकेशन ये आया है कि भले ही स्टेट्स में पेमेंट इंडियन रुपी में भी आ जाए, आपने नेपाल या भूटान को कोई सर्विस दी, दिस इज इंटर स्टेट सप्लाई, डेफिनेटली एक्सपोर्ट है, और उसमें पेमेंट जो है वो इंडियन रुपी में आ गया, तब भी दिस विल बी एग्जाम्प्टेड, इट विल नॉट बी लायबल टू GST। आई होप क्लियर, थैंक यू।